तो गाइस आज हमारे पास है फायरबोल्ट की ये कोलिंग प्रो स्मार्ट वॉच 2000 के बजट पे आपको काफी ज्यादा फीचर फंक्शन के अलावा कोलिंग फीचर देती है। तो फायरबोल्ट की आई थिंक ये फर्स्ट स्मार्ट वॉच है जो आपको अंडर 2000 रुपीज कोलिंग फंक्शन देती है। तो ये तो होगी कोलिंग की बात, बट एक्चुअल में क्या रियलिटी है इस प्रोडक्ट की वो हम चेक करेंगे इस वीडियो में। तो अंटिल एंड बने रहिए, वीडियो को देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्विक अनबॉक्सिंग के साथ। तो फायरबोल्ट की निंजा कोल प्रो का बॉक्स आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। आपकी बार काफी स्लीक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। सामने की तरफ प्रोडक्ट मिल जाएगा विद स्क्रीन साइज, की हाईलाइट यहाँ पे मेंशन है। पीछे की तरफ भी की हाईलाइट के अलावा आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल एंड प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन है। फायरबोल्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। अनबॉक्स करने के लिए हमारे पास नाइफ अवेलेबल है एंड ये स्मार्ट वॉच 2000 रुपीज पे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुई थी। तो वैसे अगर प्रोडक्ट यहाँ पे हम निकालें तो आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे अगेन मिल जाएगी एंड अलग से बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको यूजर मैनुअल, एक थैंक यू कार्ड, बुक माय शो वाउचर, गाना का सब्सक्रिप्शन एंड एक मेंबरशिप कार्ड आप मान सकते हैं विद वारंटी कार्ड, देन एक चार्जिंग केबल एंड फाइनली आपकी स्मार्ट वॉच यहाँ पे प्लेस्ड है। प्रोडक्ट अनबॉक्स हो चुका है हमारे पास आज का है एंड मैंने सब कुछ यहाँ पे टेस्ट आउट कर लिया, जस्ट आपके साथ शेयर करना बाकी है। तो गाइज क्या आपको मिलेगा बॉक्स में? तो ढेरों सारे पेपर वर्क के अलावा आपको मिलती है एक ब्लैक कलर की ये स्मार्ट वॉच कोलिंग प्रो। तो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे जो है वॉच का वो है इसकी डिस्प्ले साइज, या मैं बोलूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो ये है आपकी एक पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड जहाँ पे डुअल टोन आपको डिजाइन मिलेगा। राइट साइड में मिलेगा एक बटन एंड उसके नीचे आपको मिलते हैं स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड में माइक्रोफोन दिया गया है, इवन आपके सेंसर एंड चार्जिंग पॉइंट भी नीचे की तरफ यहाँ पे है विद फायरबोल्ट ब्रांडिंग एंड स्पोर्ट मोड मेंशन है। स्ट्रैप दिए गए हैं सिलिकॉन के जो कि काफी अच्छी तरह से बिल्ट हैं एंड आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। हर बार की तरह यहाँ भी आपको डबल बकल मिलते हैं एंड फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी कुल मिला के डिसेंट मुझे लगी एंड इतना हैवी भी ये फील नहीं होती, काफी लाइट वेट है। आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ आपने पहना हुआ है। उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है स्क्रीन एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी स्क्रीन की क्वालिटी है। इवन ये 240x280 का रेजोल्यूशन के साथ आने वाली HD डिस्प्ले है 1.69 इंचेस की, बट ये IPS डिस्प्ले आपको काफी अच्छे व्यूइंग एंगल देते हैं एंड आप डिस्प्ले को एंजॉय भी करेंगे। उसके अलावा जो टच सेंसिटिविटी है या इसकी टच है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे मिलता है, व्यूइंग एंगल चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो आपको डिसेंट मिल जाएंगे, बट ब्राइटनेस लेवल के मामले में आप नॉर्मल आई से देख सकते हैं, बट जब मैंने फोन से रिकॉर्ड करने की ट्राई की तो बाहर इतनी डिस्प्ले की विजिबल नहीं थी चाहे वो आपकी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे सेट हो। ये तो थी डिस्प्ले की बात, बट अगर वॉच को आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके फोन के साथ। तो पेयरिंग काफी इजी एंड सिंपल है, जस्ट द फिट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी फायरबोल्ट की। डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट एड डिवाइस में जाना है, ये वॉच का ऑप्शन आ जाएगा, सिंगल क्लिक से आपकी वॉच पेयर हो जाएगी। वॉच पेयर कर ली, डिस्प्ले देख ली, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली, बट इसका यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस कैसा है? तो यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एक ठीक ठाक सा, ठीक ठाक का मतलब ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है एंड ज्यादा लैगी भी नहीं है, कुल मिला के ओके यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड कभी कभी एक्सीडेंटल टच भी है, ये नहीं बोल सकता कि एक्सीडेंटल टच नहीं है। स्लाइटली डिस्प्ले मेरे को रफ फील हो रहा था फर्स्ट में, जैन मैंने इसको थोड़ा पानी के साथ साफ किया उसके बाद डिस्प्ले मेरे को ओके लगा। तो आपको यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो बेसिक मेन्यू एंड ऑल दैट मिल जाएगा एंड ऐड कंपोनेंट करके एक ऑप्शन भी आता है जहाँ पे आप जाके कुछ ऐड करना है जिससे कि आपको बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े, तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप करेंगे तो आपको एक क्विक मेन्यू या रिसेंट यूज्ड एप्लीकेशन मिलते हैं जिसपे नीचे की तरफ मेन्यू का बटन दिया गया है जो कि फोन में पहले होता था, तो वो आप क्लिक करके जो मेन मेन्यू का एक्सेस है वो कर सकते हैं। एंड मेन्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, मेन्यू स्टाइल चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलता है 5 से 6। मैं लिस्ट पे करके रखता हूँ, हनीकॉम में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इसके यूजर एक्सपीरियंस वाइज मैं इसको दे रहा हूँ 8.5 मार्क्स जो कि कुल मिला के डिसेंट है। एंड अगर आप फीचर फंक्शंस पे आए वॉच के तो आपको ढेरों सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इवन फॉर दिस बजट आपको यहाँ पे मिलते हैं वुमन हेल्थ,
कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन है, वॉइस असिस्टेंट है, देन आपको इनबिल्ट गेम भी मिलते हैं 3 से 4 जो आप प्ले कर सकते हैं। एंड गेमिंग अगर इंजॉय कर रहे हैं आप वॉच में तो ऑप्शन बेटर मिलते हैं यहाँ पे। कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो आप बेसिकली कॉल कर ही पाएंगे, बट कॉन्टेक्ट के बारे में बता दूं सिर्फ 8 आप सेव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकते। रीसेंट कॉल आप चेक कर पाएंगे एंड डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है जिसका यूज करते हुए आप कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। सेंसर वाइज आपको 3 यहाँ पे सेंसर मिलेंगे, हार्ट रेट, SpO2 एंड ब्लड प्रेशर, जो मैं बाद में बात करूंगा एक्यूरेसी वाइज क्या है एक्यूरेसी एंड ऑल दैट। देन आपको वुमेन हेल्थ वो भी मैं सेंसर में इंक्लूड कर रहा हूँ, स्लीप एंड स्टेप का जो पैडोमीटर है वो भी बेसिकली है ही यहाँ पे, एंड जो बेसिक सेंसर वो मिल जाते हैं एंड वर्क भी डिसेंट कर लेते हैं। इसके अलावा 120 स्पोर्ट मोड दिए गए हैं, 100 प्लस वॉच फेसेस दिए गए हैं, IP67 का स्पोर्ट मिल जाएगा जो कि वाटर रेजिस्टेंट है ना कि वाटर प्रूफ। एक और मेरे को यहाँ पे प्लस पॉइंट लगा वॉच का, ये है आप वॉच में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, तो अगर वो लोग जो वॉच में म्यूजिक सुनना चाहते हैं या एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के बीच में तो वॉच आपको स्पीकर के साथ मिलती है, तो अंडर दिस बजट एक छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का बोल सकते हैं। रही बात सेंसर की एक्यूरेसी की, तो आपको यहाँ पे काफी डिसेंट सेंसर मिलते हैं। हार्ट रेट मैंने चेकआउट किया तो एक बार के लिए काफी ज्यादा डिफरेंस था, बट वॉच ने धीरे धीरे ऑक्सीमीटर के साथ वो डिफरेंस कवर करने की ट्राई की, बट एट द एंड आपको यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा था। तो थोड़ा टाइम देंगे तो हार्ट रेट का डेटा आपका ये कैप्चर कर लेगा एंड वॉच में 24/7 आपको हार्ट रेट मिलता है जो कि एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप यूज कर पाएंगे। ऑक्सीजन की एक्यूरेसी हार्ट रेट से स्लाइटली बेटर है एंड 96 वॉच भी शो कर रहा था, 96 ही आपके ऑक्सीमीटर में शो कर रहा था, तो ऑक्सीमीटर वाइज आप थोड़ा ट्रस्ट इस पे कर सकते हैं। रही बात बीपी की या ब्लड प्रेशर की, तो वो भी कुल मिला के ओके है, इतना डिफरेंस नहीं मिलता एंड ब्लड प्रेशर के लिए मशीन मेरे को निकालनी नहीं थी, बट हाँ मैंने लेटर ऑन चेक किया तो कुल मिला के ये भी रिजल्ट ठीक ठाक था। तो एक्यूरेसी आप 97-98% मान सकते हैं। एंड एक और एक्यूरेसी होती है ना स्टेप की, तो स्टेप काउंट भी मैंने चेकआउट किया, स्टेप काउंट में आपको 10-20 स्टेप का ऊपर नीचे रहेगा 100 में अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो वो आपका डेटा कैप्चर करेगा, कम हैंड मूवमेंट हो रही है तो इस टाइप से कम मूवमेंट पे वो जो डिस्क्रिपेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। कॉलिंग वॉच है तो कॉल फंक्शन टेस्ट के बिना रिव्यू पूरा नहीं हो सकता, तो कॉल मैंने टेस्ट आउट की है, रिजल्ट यहाँ पे है। कुछ इस टाइप की आपको कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी फायरबोल्ट की कॉलिंग स्मार्टफोन से कम्युनिकेट होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा नहीं है तो वॉइस क्लैरिटी क्लियर होनी ही चाहिए। कॉलिंग वाइज मेरे को काफी अच्छा लगा, डिस्टर्बेंस नहीं था, बट कॉल क्वालिटी हल्की सी रोबोटिक फील हो रही थी, रोबोटिक टच वहां पे आ रहा था एंड वो चीज इंप्रूव हो सकती है मे बी सॉफ्टवेयर की वजह से, बट अभी के लिए वो चीज है यहाँ पे। कॉल वाइज मैं इसको 8 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, बट अगर आप चाहें आउटडोर इसको यूज करना तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। देन मैंने रेस टू वेक का ऑप्शन भी चेकआउट किया कि कितने टाइम ये वर्क करता है, आप रेस टू वेक को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंट पे एंड वो वर्क करेगा 9 times out of 10 जो कि गुड नंबर यहाँ पे है। अगर एक्स्ट्रा फीचर फंक्शंस की बात करें तो आप वॉच से स्क्रीन ऑन टाइम चेंज कर सकते हैं, DND एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉल फंक्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड स्लीप मोड में इसको डाल सकते हैं, जो कि बेसिकली काफी अच्छे फीचर फंक्शन है। तो मेरी ओर से ये वॉच वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है, कॉलिंग स्मार्ट वॉच टू बी वेरी स्पेसिफिक अंडर दिस बजट। तो बजट कम है, कॉलिंग फंक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं एंड नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड भी रिसेंट है, वॉच फेस भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे जहां पे कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी है, आप चाहे तो कस्टमाइज वॉच फेस यूज कीजिए या जो 100+ वॉच फेस है उनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। कुल मिला के वॉच काफी अच्छी है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। मेरी ओर से गाइस पॉजिटिव रिव्यू है इस वॉच के लिए एंड आप मुझे बताइए कि आपको ये वॉच कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।